नमस्कार, मैं मनलीन कौर, इंडिया एसएमई फोरम की तरफ से यहाँ उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण का सहर्ष स्वागत करती हूँ। इंडिया एक्सपोर्ट्स सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है और आज कुछ ही देर में इस पहल का उद्घाटन होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के माननीय मंत्री जी श्री नारायण राणे जी और मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी का विशेष स्वागत है। इंडिया एसएमई फोरम की इस एक्सपोर्ट्स पहल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का पूरा सहयोग है। मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस मर्सी इपाओ, जॉइंट सेक्रेटरी एसएमई, और श्रीमती अलका अरोड़ा, जॉइंट सेक्रेटरी एआरआई एवं सीएमडी एनएसआईसी। इस एक्सपोर्ट्स पहल के विशेष सहयोगी यूपीएस इंडिया, कोटक महिंद्र बैंक एवं एसडीआरसी इंटरनेशनल का भी हृदय से स्वागत है। मंत्रीगण की आज्ञा से मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैडम सुषमा मोठानिया जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नारायण राणे जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। अब मैं मैडम से माननीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री विनोद कुमार जी, प्रेसिडेंट इंडिया एसएमई फोरम, को आमंत्रित करती हूँ कि वह इंडिया एक्सपोर्ट्स के बारे में हम सबको अवगत कराए। माननीय मंत्री, हमारे प्रिय मुंबई के श्री नारायण धातुराने साहब, नमस्कार। माननीय प्रताप सिंह वर्मा जी, हमारे राज्य मंत्री, माननीय अलका अरोरा मैडम, माननीय मर्सी पाव मैम, और मेरे यहाँ आए हुए सब दोस्त और एमएसएमई बंधु, आप सबको नमस्कार। 11 साल पहले इंडिया एसएमई फोरम का फॉर्मेशन हुआ और तब उस साल 200 एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हमारे साथ एक पहल करी, और आज 11 साल बाद 9,700 मेंबर हैं इंडिया एसएमई फोरम के, और कंटिन्यूअसली हम लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो ये है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को किस किस तरह हम लोग और इसमें जिस प्रकार का आह्वान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है, एमएसएमई डेवलपमेंट को बेस द इकोनॉमी बोला है, और उसी के 2019 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन टास्क फोर्स बनाया, जब डॉक्टर अरुण पांडा सेक्रेटरी थे, और इसकी अगुवाई श्री राम मोहन मिश्रा जी ने करी, और श्रीमती अलका अरोरा उस टाइम पे मेंबर सेक्रेटरी थी ये टास्क फोर्स की। इस टास्क फोर्स में कई सारी बातें बाहर आई, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि भारतवर्ष में सिर्फ 35,000 एमएसएमई हैं जो 40% हमारे एक्सपोर्ट का कर रहे हैं, और इसलिए जरूरत है हमारे एमएसएमईज को
अवगत कराना मार्केट अपॉर्चुनिटीज से इंटरनेशनली, उनको विभिन्न प्रकार की मार्केट इंटेलिजेंस देना, किस देश में किस प्रकार का पोटेंशियल है, किस प्रोडक्ट का पोटेंशियल है उसके बारे में बोलना, हमारे देश में क्या इंसेंटिव्स है एक्सपोर्ट्स के लिए, और किस किन देशों से हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जहां पे आसानी से आदमी एक्सपोर्ट कर सकता है, मार्केट एंट्री किस तरह करी जाए इन सब देशों में, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग और सी फेयरिंग इस सब का काम कैसे किया जाए, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो दुनिया में नया आया है ई कॉमर्स के द्वारा जो एक्सपोर्ट हो सकता है, बी टू सी और डी टू सी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस टाइम उस समय में इंडिया एसएमई फोरम ने एक प्रस्ताव भी रखा जिसका नाम था ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, और मुझे खुशी है कि ये प्रस्ताव तब वो टास्क फोर्स में डिस्कस होते होते आज एक पूरा होने जा रहा है, जब कुछ ही महीने बाद मेरे हिसाब से मंत्रालय जीएमआईएस पोर्टल पे काम करना चालू करेगा। इस बीच जो हमने सोचा कि जब तक ये जीएमआईएस पोर्टल रेडी हो जाए और पूरे भारतवर्ष में जितने भी एमएसएमईज हैं उनको कई सारी अपॉर्चुनिटीज से अवगत कराए, तब तक हम लोग करीबन 1 लाख एमएसएमईज को कैसे एक्सपोर्ट से अवगत करा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी से अवगत करवा सकते हैं, और कैसे हम लोग 30,000 एमएसएमईज को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हैंड होल्ड कर सकते हैं, और कैसे उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यही है इंडिया एक्सपोर्ट्स का पोर्टल, और जो इनिशिएटिव है जो आपके शुभ हस्तों से आज इनॉग्रेट होगा, मैं अत्यंत आभारी हूँ क्रिस्टीना शुलर, दीपक श्रीवास्तव जी, सुनील डागा जी और मेरे अन्य मित्र जिन्होंने इसमें बहुत हमारा प्रोत्साहन किया और हमारा समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इंडिया एक्सपोर्ट्स इनिशिएटिव्स के प्रथम सहयोगी एसटीआरसी इंटरनेशनल के श्री प्रणव जुंजारव जी, सीनियर कंसल्टेंट इंडिया एंड मिडिल ईस्ट से अनुरोध करती हूँ कि वह आके हम सबके साथ कुछ शब्द कहें। थैंक यू मनली। गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार टू आवर माननीय मंत्री जी श्री नारायण राणे जी, माननीय मंत्री जी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, माननीय श्रीमती अलका अरोरा जी, माननीय मर्सी पाव जी एंड ऑल अदर डिग्निटरीज एज वेल एज पार्टिसिपेंट्स ऑडियंस हु आर प्रेजेंट हियर फॉर द लॉन्च ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स इनिशिएटिव। To go ahead with, as we all know, MSMEs are the backbone of our country, and MSMEs have a huge contribution towards the progress of our country. To make India a globally competitive economy, there must be a larger focus on exporting to the most demanding markets with huge export potential. A strong participation of Indian MSMEs in the global markets can accelerate such a growth that will lead to more opportunities in scaling up and speed up the innovation, which will in turn enhance productivity. To realize our Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat and increase the share of MSME exports from 48% to 60%, it is very important for the MSMEs to start with the export business, either the traditional way or through e-commerce exports. Here, it is clearly that more number of MSMEs are getting into exports will tremendously help to improve our economy. I am happy that this initiative is launched at a correct time where MSMEs can take the maximum benefit from it. Along the way, we have seen a lot of homegrown brands become global brands. This has never been possible in the history of e-commerce or commerce in India, that reflecting in the progress we are seeing. Stronger participation of Indian MSMEs in the international trade is very crucial in lines with the unharnessed potential of Indian exports. To conclude, I would like to say that there is a need to adopt a multidimensional approach to create India as a manufacturing hub and make local to global. Here, SDRC International's prime focus
is on the anatomy of successful international foray for SMEs and empowering exports through contract manufacturing, servicing, and focusing on integrating them in a global value chains. SDRC International is more than pleased at the timing and intention of India Export Initiative, which strongly resonates with our mission. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर. अब मैं इंडिया एक्सपोर्ट्स इनिशिएटिव के दूसरे सहयोगी यूपीएस इंडिया के श्री दीपक श्रीवास्तव जी कंट्री मैनेजर से अनुरोध करती हूं कि वे आकर कुछ शब्द कहें. थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन अनली. गुड आफ्टरनून नमस्कार ऑनरेबल मिनिस्टर नारायण राणे जी, ऑनरेबल Minister of State MSME Shri Bhanu Pratap ji, and good afternoon to all the dignitaries and all the guests. Firstly, I want to thank the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and the India SME Forum for the opportunity to be involved in India Expo Initiative. At UPS, we are extremely excited and welcome this important association and initiative by India SME Forum in partnership with Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, which aims to harness the export potential of India's SME and facilitate their entry into international market. UPS is one of the world's largest package delivery company and provides a broad range of integrated logistics solutions, including transporting packages and freight, facilitating international trade, and deploying advanced technology tools to more efficiently manage the world of business. Headquartered in Atlanta, UPS serves more than 220 countries and territories worldwide. We have a strong presence in the Indian subcontinent, Middle East, and Africa region, and have been operating in India since 1989. We help forge a critical connection for small, medium, and large-sized companies to support the movement of business products, essential commodities, and healthcare material between India and rest of the world. Our strategy of being customer first, people led, innovation driven help us underscore our purpose of moving our world forward by delivering what matters. In India, we are present across all key tier markets and have a deep segment focus across automotive, high tech, healthcare, manufacturing, aerospace, gems and jewelries, garment and textiles, to name a few. Maintaining business continuity for our customers is key imperative for us. SMEs are drivers to support the growth of world market. Even according to Ministry of Commerce and Industry, the India SME sector, being the main engine for economic growth in India, accounts for 45% of industrial output and 40% of country's total exports. Platforms such as India Export Initiative can play a key role to help facilitate global trade for India's SME to tap into this opportunity. Did you know that small and medium enterprises generate 30% of India's overall GDP and employs 110 million people across the country? In spite of their overwhelming contribution to the economy, SMEs continue to face a variety of challenges in the current business landscape. According to a recent survey conducted by UPS, which covered small and medium businesses in 21 key industries in India, some of the main problems confronting them includes access to finance, logistical know-how, online marketing, branding and sales, and setting up e-payments. The survey revealed that less than half of the SMEs were involved in e-commerce, and of that half, 40% only sold domestically. As you can see, there are lots of opportunity and huge potential to expand the reach of SMEs. And that's why we partnered with India SME Forum to enable your businesses to scale and access global markets. In our experience, three aspects will be important for local businesses to leverage this opportunity and participate in international trade. First is information.
Access to the right and relevant information is the fundamental step in this direction for Indian SMEs of all sizes. The launch of India Expo website, where UPS played an important role to provide key export related information, will help create a repository for local businesses to refer, prepare, and plan. After all, being well informed is being well planned. Second is connectivity. Eventually, it's about a smart global logistic network that can connect to maximum countries in the smartest possible way. It's not just about reaching a part of an aircraft manufacturer in time. It's about being able to reach it just in time. State-of-art infrastructure, just in time, time to market are some of the requirements that are intrinsic for Indian SMEs to be part of global trade markets. And that's the value they look for. As part of our customer-first strategy, we recognize that for customers, one size doesn't fit all. Each SME's requirement is unique, and that's why we have a consultative approach to our customers' business. Lastly, there is technology. High-end technology solutions not only bring transparency, but also lead to innovative mechanism to reach products smartly and efficiently into international market. We understand technology and look for ways to make it more accessible for our customers as we carry 24.7 million packages and documents every day. We look forward to partnering with India SME Forum and the Ministry of MSMEs to support Indian SMEs prosper, grow, and deliver what matters. We at UPS are committed to support you to reach your goals and realize your dreams. Thank you so much. And best of luck to everyone accompanying us on this journey. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब मैं इंडिया एक्सपोर्ट्स के तीसरे सहयोगी कोटक महिंद्रा बैंक के श्री ठाकुर भास्कर जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से निवेदन करती हूँ कि वह आए और कुछ शब्द कहें. थैंक यू मलिन. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. Greetings to the Honorable Minister, Union Minister Shri Narayan Rane ji, Honorable State Minister Shri Bhanu Pratap Verma ji, Honorable Joint Secretaries of Government of India Shrimati Mercy Pau and Shrimati Alka Arora, dignitaries of the SME Forum Shri Pralad Kakkar, Shri Vinod Kumar and Shrimati Sushma Murtanya, my fellow panelists from the industry Shri Pranav Zunjar Rao and Shri Deepak Srivastava. I would like to begin by thanking the India SME Forum, who have, with the support of the Ministry of MSME, Government of India, organized the India Exports, which is a unique platform for enabling exports by the Indian MSME sector, and for supporting our country's entrepreneurs in their endeavors to export the products and services from India to various corners of the globe. Kotak Mahindra Bank is pleased to be associated with the India Exports Initiative that we believe will open new vistas for many exporters. Just to briefly mention, Kotak Mahindra Group is one of India's leading financial services institutions. Kotak itself is a company started by an entrepreneur, and it celebrates the spirit of entrepreneurship of the SMEs and MSMEs of the country. And we are proud to be a trusted and reliable partner of our friends in the MSME industry. We've been making consistent strides to enable easy finance for micro, small, and medium enterprises in the country, and also bring in a bouquet of services, especially to help exporters conduct their transactions in an easy and seamless manner. We also offer market advisory services. Our treasury team advises the clients on market volatility with relation to Forex from time to time. We are present at all major trade centers. Our presence in over 80 trade hubs allows customers to conduct all their export-import transactions seamlessly. We also have a wide corporate banking network across the globe, and we offer the Nostro accounts in almost all major currencies. With respect typically to the SME and MSME segment,
all our services specifically designed for the export-import sector come bundled in a special product called Global Trade Account, which is a specific product to service this sector and has been customized to suit the requirements of the export-import industry. Keeping in mind the digital-first strategy at Kotak, our forward contract documentation can be done online. So it brings a really lot of convenience to people who are involved in exports. Our online services include net and mobile banking, cash management services, e-taxes. These are some of our online services, and these bring a really a lot of convenience in conducting day-to-day business to SMEs and MSMEs. For forex trades, our customers can book trades on our FX Live platform and upload them on the trade portal as per their convenience. Our trade advisory desk, besides a product manager, advises clients on FEMA guidelines, trade regulations, and also liaises with RBI whenever required. Finance is a very integral part, and timely payments are extremely important. And we strive to ensure that we are able to support the industry in best possible manner, and ensuring that they receive their payments on time, the transaction happens smoothly. Our diverse suite of tailor-made products and services help MSME customers, including exporters, pursue their dreams. We are excited with the launch of India Exports Forum and the platform, and we firmly believe that together we can build an ecosystem that can cultivate India's exports potential and support the growth of the MSME exporter. So our best wishes to the India Exports Forum, and we look forward to this platform scaling great heights and scripting a lot of success stories in the times to come. Our best wishes. Thank you. Bahut bahut shukriya, sir. Ab main hamare mukhya atithi माननीय मंत्री जी श्री नारायण राणे जी और माननीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने शुभ हस्तों से इंडिया एक्सपोर्ट्स पोर्टल और इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव का बटन दबाकर उद्घाटन करें। फ्रेंड्स, ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी हिस्सेदारी सबसे अधिक थी और वो समय था हमारा देश का। उसका एक बड़ा कारण भारत का ताकतवर ट्रेड और एक्सपोर्ट था। हमारे दुनिया के लगभग हर हिस्से के साथ ट्रेड लिंक्स रहे हैं और ट्रेड रूट्स भी रहे हैं। आज जब हम ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी उस पुरानी हिस्सेदारी को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी हमारे एक्सपोर्ट का रोल बहुत अहम है। पोस्ट कोविड ग्लोबल वर्ल्ड में जब ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर आज एक व्यापक डिबेट है, तब हमें नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी से, कि वे हम सबको संबोधित करें। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत एसएमई फोरम ने एसएमई मंत्रालय और कई अन्य भागीदारों के सहयोग से इंडिया एक्सपो लॉन्च किया है। यही समय है जहां उद्यमी खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और एक ही छत के नीचे निर्यात के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह देश के प्रत्येक उद्यमी को निर्यात, बैंकिंग और वित्त के साथ साथ लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग के बारे में बुनियादी समझ प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जो इन्हें निर्यात व्यवसाय में प्रवेश करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए तैयार होने में मदद करेगा। मैं परोक्ष रूप से हमारे देश को सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और विदेशी मुद्रा की कमाई में मदद करना और आयात को कम करके और निर्यात में वृद्धि करके व्यापार घाटे को कम करना है। विशेष रूप से इस हमारा जो इंडिया एक्सपोर्ट 2021 है, विशेष रूप से हमारा जो निर्यात होगा उसमें विशेष रूप से इसमें वृद्धि होगी और निश्चित ही हमारी हमारा देश की प्रगति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं समझ सकती हूँ कि हम सब उत्सुक है माननीय मंत्री जी श्री नारायण राणे जी के संबोधन को सुनने के लिए। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आदरणीय मंत्री जी से कि वह इस सभा को संबोधित करें। आज फोरम के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया है। फोरम के प्रमुख आदरणीय विनोद कुमार जी, प्रेसिडेंट, एसएमई के एसएमई फोरम, श्रीमती सुषमा मोरथानिया, डीजी इंडिया एसएमई फोरम, ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी आदरणीय व्यक्ति, हमारे अधिकारी श्रीमती अलका अरोड़ा, श्रीमती मर्सी ज्वाइंट सेक्रेटरी, उपस्थित सभी साथी जो ऑनलाइन में जुड़े हैं वो सभी साथी, एक महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ फोरम के माध्यम से एक कार्यक्रम हो रहा है। देश के लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो डिपार्टमेंट है एमएसएमई के माध्यम से देश में ज्यादा से ज्यादा देश का माल फॉरेन जाए, एक्सपोर्ट होए, एक्सपोर्ट की परसेंटेज हमारी बढ़े, इंपोर्ट की परसेंटेज कम हो जाए, इसके लिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश के पंत प्रधान चाहते हैं कि एमएसएमई के माध्यम से हमारा देश का जीडीपी भी बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। इस कोशिश में हमारा एमएसएमई के डिपार्टमेंट इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आज एक्सपोर्ट के क्षेत्र में दुनिया में कई देश, चीन जैसा देश है, काफी देश आज काफी आगे बढ़े हैं और उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। हमारे देश में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें हमारे एमएसएमई का हिस्सा 40% है, जीडीपी में हम लोग 30%
मगर हमारी कोशिश है कि दुनिया के मार्केट में हमारा भारत देश एक्सपोर्ट में आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए, इसकी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को, विक्रेता को हम जो मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, योगदान चाहिए, वो देने की कोशिश हमारा सरकार, हमारा विभाग कर रही है। हम एक करते रहेंगे। हमारे माननीय प्रधान मोदी साहब ने जो कहा है कि 2027 तक 5 ट्रिलियन तक हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए, हमारी देश की आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। हम हर क्षेत्र में उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आज फोरम के माध्यम से जिन व्यक्तियों ने, जो उद्योग, जो उद्योजक ने यहाँ अपने विचार रखे हैं, वो देखते हुए हम कहना चाहते हैं, मैं आधुनिक टेक्निक के प्रयास में, आधुनिक टेक्निक के माध्यम से हमारे उद्योजक ने प्रोडक्शन निकालना चाहिए, उत्पादन निकालना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, और दुनिया के किसी देश के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज हम सबसे आगे होने चाहिए, तो ही हम एक्सपोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। इसकी जानकारी हमें है, हम ये तो कोशिश करते रहेंगे कि मगर आप लोग का मार्गदर्शन, सहयोग और बैंक का भी सहयोग हमें इसी तरह मिल जाएगा, तो हम इसी से अच्छा काम हम लोग करेंगे। सरकार आप लोग के साथ रहेंगे। सरकार चाहती है हमारा उद्योजक का प्रगति हो। उद्योजक का प्रगति होता है तो हमारे देश की प्रगति होती है। हमारा उद्योजक रोजगार निर्माण करेंगे, हमारे रोजगार सक्षम होंगे, नागरिक सक्षम होंगे, तो देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, हमारे जीडीपी बढ़ सकता है। और इसलिए हम इस एमएसएमई के माध्यम से उद्योजक को बढ़ावा देने की हम कोशिश करते रहे और करते रहेंगे। हमारे पंतप्रधान जिस तरह का प्रगति चाहते हैं, उस प्रगति हम करने के लिए हमारे अधिकारी सभी लोग आज कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप फोरम के माध्यम से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। आप चाहते हैं कि इंडिया आगे बढ़े, इंडिया एक्सपोर्ट में आगे बढ़े, ये कोशिश हमारी रहेगी। हमारा पूरी तरह से सहयोग आप लोग को, विनोद कुमार जी, रहेगा। कभी भी किसी काम अपना एक्सपोर्ट के बारे में सरकार का सहयोग, आप कभी भी इसके बारे में कहो, हम आप लोग के साथ में। हम चाहते हैं देश के लोग ज्यादा से ज्यादा उद्योजक बने और वो अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे इधर एग्रीकल्चर से अलग अलग जो हम मटेरियल उपलब्ध है, हम अलग अलग तरह के उत्पादन कर सकते हैं, वो करके हम दुनिया के मार्केट में एक अच्छा क्वालिटी वाइज और रिजनेबल रेट से देने वाला कंट्री इंडिया है। सबसे बेस्ट माल इंडिया का मिलता है, ऐसे मैसेज पूरे दुनिया में जाना चाहिए। ये भी कोशिश आपके तरफ से, हमारे तरफ से रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और यह मौका दिया, मैं आपको थैंक्स देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मान। ठीक है, जय हिंद सर, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं अनुग्रह करती हूँ मैडम सुषमा जी का कि आप आकर आभार व्यक्त करें। थैंक यू मलिन। माननीय मंत्री जी श्री नारायण राणे जी और माननीय राज्य मंत्री जी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, मैं तहे दिल से आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार और आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाल के
हमेशा एमएसएमईज को सपोर्ट करते हुए, हमको मोटिवेट करते हुए हमारे इस इंडिया एक्सपोर्ट्स इनिशिएटिव के लिए आज आपने समय निकाला, आपके शुभ हस्तों से इसका इनॉग्रेशन किया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। मैं आभारी हूँ श्रीमती अलका अरोरा जी, जॉइंट सेक्रेटरी एआरआई और सीएमडी एनएसआईसी, श्रीमती मर्सी इपाव जॉइंट सेक्रेटरी एसएमई, थैंक यू वेरी मच मैम, आप लोगों का सपोर्ट हमेशा हमें रहा है और आप हमेशा हमें एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं नए नए इनिशिएटिव्स के लिए, एमएसएमईज को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें किस तरीके से हम और ज्यादा बढ़ावा देकर फैसिलिटेट कर सकते हैं, इनका हमेशा हमें मार्गदर्शन रहा है, उसके लिए थैंक यू। और इस इनिशिएटिव के लिए मंत्रालय का सपोर्ट है हमें, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का सपोर्ट है, इसके लिए थैंक यू। और हमारे जो पार्टनर्स हैं इस इनिशिएटिव के लिए, एसडीआरसी इंटरनेशनल, यूपीएस इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक, उनका भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो आज आपके शुभ हस्तों से जो उद्घाटन हुआ, इस आज के माध्यम से हमने इस इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट किया है। अगले मार्च तक 20 सेक्टोरल वेबिनार्स होने वाले हैं एक्सपोर्ट्स में, जिसमें अलग अलग एमएसएमई प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है ये एमएसएमईज को बताया जाएगा और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट किया जाएगा। दूसरी चीज, ये जो पोर्टल है ये 9 भाषाओं में है, तो 9 भाषाओं में लोग इसका इसमें इंफॉर्मेशन या जो भी इन्हें एक्सपोर्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए ये है। और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के फिगर्स ये रियल टाइम है, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और कॉम्प्रेट के साथ इस पोर्टल को जोड़े हुए हैं। तो हम आपको मार्च में इस पोर्टल द्वारा हम क्या प्रोग्रेस कर चुके हैं इसका भी हम आपको अपडेट देंगे। और हमें जब कभी भी मार्गदर्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो हम बिल्कुल आपके पास बेझिझक आएंगे सर। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए, आपके गाइडेंस के लिए और मार्गदर्शन के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इंडिया एक्सपोर्ट्स पोर्टल आप सबके लिए खुल गया है। हम www.indiaexports.com पे जाके अपनी एक्सपोर्ट्स की यात्रा को शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।